अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल जलील और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशनल स्टूडियो। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट का मुझे मैसेज आ रहा है, कह रहे हैं कि सर हम अपना चालान कैसे डाउनलोड करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ई पोर्टल से चालान कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे अर्ज है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहले आपको आपका ई पोर्टल ओपन करना होगा, उसके बाद ऊपर ऊपर जो थ्री डॉट है उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है सिलेक्शन लिस्ट, आपको उस पर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो भी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगी वो डिपार्टमेंट आएगा और उसके आगे एडमिशन चालान लिखा हुआ होगा, वो आप उस पर क्लिक करके एडमिशन चालान डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन चालान डाउनलोड करने के बाद आपको वो पे करना होगा। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर है रिटर्न चालान, रिटर्न चालान वो पे करें जो अपना डिपार्टमेंट कन्फर्मेशन करना चाहता है, मतलब वही डिपार्टमेंट में पढ़ना चाहता है। अगर आप रिटर्न चालान नहीं भरेंगे तो आप सेकंड और थर्ड लिस्ट में चांसेस हैं आपका डिपार्टमेंट चेंज होने के। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।